बोलो हाय गाइस। हाँ आगे पूरी पूरी इंट्रोडक्शन। हेलो हाँ कोई बात नहीं, टेक टू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल का नाम है पहाड़ी यात्री। पहाड़ी यात्री अभी कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। अभी यात्री हम ओटी नहीं ओएटी जा रहे हैं। क्या है इधर एमबीए का कोई कल्चरल मीट है वो देख। चलो चलो प्रेजेंट हियर इन द ओएटी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please have a huge round of applause for you guys and for the esteemed guests that we are having over here. Thank you so much everyone. So I would like to start by welcoming our special guests for this evening. Shulini. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शूलिनी खुद एक देवी माँ का नाम है जिनके नाम पर हमारी यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था आज से 12 साल पहले। तो आज उन्हीं मां शूलिनी को याद करते हुए या सभी देवी देवताओं सभी भगवान को याद करते हुए हम दीप प्रज्वलन के समय उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं। और जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझना रे। सुबह पे जो मोह माया नमक लगाए रे। ये देखे ना भाले ना जाने ना दाए रे। इशारा क्या मन बुका मुंडारे।
गलियों से गुजरा तो मंजर अजीब था, गलियों से गुजरा तो मंजर अजीब था, दर्द था मगर दिल के करीब था। जिसे हम ढूंढते थे अपनी हाथों की लकीरों में, जिसे हम ढूंढते थे अपनी हाथों की लकीरों में, वो किसी दूसरे के किस्मत और किसी के और के नसीब था। क्या बोलोगे खुद की तो मिट गई ना। तो इसी लाइन के साथ मैं शुरू करता हूँ अपना पोएट्री। तो बेसिकली इट्स इनकम्प्लीटेड लव स्टोरी, लव स्टोरी का नाम सुनते ही देखो कितनों की चेहरे चाय पीने के लिए रुका था। मौसम में थोड़ी मायूसी थी, हवाएं भी हल्की हल्की चल रही थी, फिर अचानक ये हुआ, हवाएं रुक सी गई, हुआ सूरज की रोशनी कहीं बादलों में छिप सी गई, जैसे फिल्मों में होता है। फिर मैंने उसको देखा, धीरे धीरे वो चाय की टपरी की तरफ चली आ रही है। बोल भैया, क्या मुझे अपनी मेरे को बता रही था। उसके चेहरे में इतनी नजाकत थी जैसे चांद भी शर्मा जाए, शर्मा गया, हल्का शर्मा गया, लग रहा था जैसे इतनी खूबसूरत चीज मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। फिर उसने धीरे से पलके उठाई, आंखों से आंखें मिली, बातों से बातें बढ़ी, और इन बातों से आंखों से आंखें मिली, बातों से बातें सुनी, बातों से मुलाकातें बढ़ी, और ये मुलाकातें कब इश्क में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। इतना खुश था मैं अपने सपनों का महल सजाने में, जैसे खो सक गया था। क्या उसका भी इश्क हो गया था मुझसे, नहीं किसी और से। ऐसा तुम्हारा रास्ते अलग हो गए, पर मंजिल तो वही है ना, हम मिलेंगे शायद किसी तो बढ़िया। मैं इसमें थोड़ा ना समझू, मैं इसमें थोड़ा ना समझू, मैं तेरे सारे समझ नहीं पाया, तो क्या तुम लफ्जों में बयां कर लो, मुझे सच्चाई से रूबरू करवाओगी क्या? नहीं। चलो मान लिया मजबूरी था, चलो मान लिया मजबूरी था, अब्बा नहीं मानेंगे ये कहना भी जरूरी था। की तरफ तोड़ के चली जाओगी क्या? और इस ब्रेकअप के दौर में तुम लैला की तरह इश्क निभा पाओगी क्या? लैला सिंपल सा लड़का इश्क पे आज भी यकीन रखता हूँ, मैं सिंपल सा लड़का इश्क पे आज भी यकीन रखता हूँ, तुम फिर से वापस आके मेरे यकीन को कायम रख पाओगी क्या? और क्या तुम मेरे टूटे बिखरे दिल को समेटने में मेरी मदद कर पाओगी क्या? इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन आंखों की तेरी आदत सी हो गई थी। एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या करूं, पानी तुम्हें देख ले प्यासा हो गया। और मुझे लगता था दुनिया का एक वसूल है, मतलब प्यार के बदला हमेशा प्यार ही मिलता है, जब हमारी सारी आई तो चालक जिंदगी ने अपना वसूल ही बदल लिए। आज से हम भी बदलेंगे अपना अंदाज़ जिंदगी।